हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। मैं आज आपके साथ एक फेसबुक शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। और सबसे पहले मैं आप लोगों को से पूछना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोगों को गिव अवे कैसा लगा। आप लोग मेरे साथ हैप्पी हो या नहीं मेरे इस अनाउंसमेंट से। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है या फिर आप ये तो पता चल ही गया है कि आप लोगों को अच्छा लगा। बट जो लोगों के मैंने नाम नहीं लिए हैं वो उदास ना हो। मैं आप लोगों को बहुत जल्द दूसरा अभी गिव अवे रखूँगी, तब आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। अगर हाँ किसी का नाम मैं भूल रही हूँ तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आप लोगों के साथ उनका भी नाम शेयर कर लूँगी। और हाँ, मुझे जल्दी जल्दी से अपने एड्रेस सेंड कर दीजिए, इंस्टा पर कर दीजिए। आप लोग इंस्टा पर करना चाहते हैं तो इंस्टा पर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग चाह रहे हैं कि इंस्टा पर देना, तो आप लोग इंस्टा पर कर सकते हो फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वाला लुक कैसा लग रहा है? मतलब मैं डेली बेसिस में ऐसे ही रहती हूँ, कुछ भी नहीं मैंने अप्लाई किया है। बस अपना जो मैंने फेस पैक लगाया हुआ है उसके बाद जो मैंने अपने फेस पर क्रीम वगैरह लगा ली है वो वॉश करने के बाद। और फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने मैं बैठी हूँ, आप लोग बताइएगा कि मेरा फेस हेल्दी लग रहा है, ग्लोई लग रहा है या नहीं। ये सब तो आप ही लोग बताओगे ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे कि आप लोगों को मेरा फेस कैसा लग रहा है, डल लग रहा है या अच्छा दिख रहा है। तो लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम फ्रेंड्स, तो उसको इग्नोर कर दीजिए। कभी कभी लाइटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जा रही है, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा, तो समझ नहीं आता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हो जाता है कभी कभी। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर किसी का नाम मैंने नहीं लिया है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा और मैं उनका भी नाम उसमें डाल दूँगी और बता दूँगी आप लोगों को किस किस ने आप लोग कमेंट किए हैं। वैसे तो सभी को मैंने आई होप कर दिया है, सबको बता दिया है मैंने, लेकिन फिर भी अगर कोई रह गया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अगर मुझसे भूल हो गई हो शायद, तो इस वजह से। तो फ्रेंड्स, चलिए इस पैक के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो आप, ये पैक बहुत ही अमेजिंग है और अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है और इसके बाद ही, जैसे ही फेस्टिव सीजन ख़त्म होगा उसके बाद ही मैरिज स्टार्ट हो जाएंगी, शादियाँ होंगी बहुत ज़्यादा, कभी आपके घर में भी होगी, कहीं आपको कहीं रिलेटिव के यहाँ भी जाना हो सकता है। तो आप ये फेस पैक हमेशा लगाते रहिए तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होगी आपकी स्किन और ग्लो नज़र आएगा। और आपकी स्किन में अगर ड्राई ड्राई से रहता है तो वो भी नहीं होगा, फ्लैकी फ्लैकी स्किन हो जाती है, वो भी नहीं होगी फ्रेंड्स। तो ये फेस पैक बहुत ही अमेजिंग काम करता है फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट से देख लीजिए, अगर थोड़ा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और आप लोग लाइक करना तो भूल ही जाते हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर कर लीजिएगा। अगर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिएगा फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही आप आगे बढ़िए और मेरा वीडियो देखिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर दीजिएगा, और जैसे ही आप हिट करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा न्यू वीडियो का। तो चलिए फटाफट से देख लीजिए और मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। इस ग्लोइंग पैक के लिए मुझे सबसे पहले मुझे चाहिए ये है बादाम का पेस्ट, तो मैं पाउडर है ये बादाम का, तो मैंने 8-10 बादाम लेकर मिक्सी में ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है फ्रेंड्स। और आप लोग भी इस तरह से ग्राइंड करके रख सकते हो, और मैंने इतना ग्राइंड कर लिया है और इसको रख लेती हूँ क्योंकि मैं डेली यूज़ में करती हूँ इस तरह का पैक। तो अभी ये कुछ दिनों से मैं ज़्यादा यूज़ कर रही थी, वैसे मैं यूज़ करती रहती हूँ इस तरह की चीज़ों को। और इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा, इसमें मैं ले रही हूँ 1/2 स्पून के करीब ही लूंगी मैं, ये है बेसन, ये है चिक्की फ्लावर, तो मतलब इसको भी मैं ले रही हूँ, थोड़ा ज़्यादा लूंगी क्योंकि इससे बहुत ही अच्छी स्किन क्लीन होती है, एकदम बहुत ही अच्छा सा ये पैक बनेगा फ्रेंड्स। और थोड़ा सा मैं ले रही हूँ इसमें कस्तूरी हल्दी, इतनी सी ले लूंगी, फिर लूंगी मैं हनी। हनी बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, आपकी स्किन अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है, स्किन में रिंकल्स आ रहे हैं उसके लिए बहुत ही अच्छी होती है, तो मैं इतना ले रही हूँ। फिर लूंगी मैं इसमें रोज वाटर, बस ये मिक्स कर लेना है और अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है। और इसको आप रोज भी लगा सकते हो फ्रेंड्स, तो देख लीजिएगा अगर ज़्यादा वाटर की रोज़ वाटर की ज़रूरत है तो आप डाल सकते हो, बट इतना ही
सफिशियंट है क्योंकि ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा इतने में ही। तो ये देखिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि ज़्यादा वाटर हो जाए, तो इतना ही मिक्स करके और अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है फ्रेंड्स। तो ये देखिए कितना अच्छा से पेस्ट बन गया है, थिक पेस्ट बनाना है, ऐसे ही रहेगा ये। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा पैक है और रोज़ वाटर मैंने इसलिए अप्लाई की डाल रही हूँ क्योंकि रोज़ वाटर से आपकी स्किन को ठंडक भी मिलेगी और आपकी स्किन में जो भी ओपन पोर्स होंगे वो भी श्रिंक हो जाएंगे धीरे धीरे से। और आप इसको रोज़ बना के रोज़ डेली बनाइए और रोज़ लगाइए तो बहुत ही आपकी स्किन एकदम ग्लोई नज़र आएगी और आपकी स्किन में थोड़े भी पिंपल्स वगैरह हैं वो ठीक होंगे, आपकी स्किन हेल्दी हो जाएगी, ग्लो आ जाएगा, आपकी स्किन रेडियंट हो जाएगी, बहुत ही अच्छे से स्किन पर ये वर्क करता है। और मैंने जो बादाम का पेस्ट लिया जो बादाम पाउडर लिया है उसमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा होता है तो आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होगा वो, इसलिए मैंने बादाम का पाउडर लिया है। अगर आप चाहें तो आप फ्लैक्स सीड भी ले सकते हो, बट मेरे पास फ्लैक्स सीड अभी मैंने उसको पीसा नहीं है, मैं उसको ग्राइंड करके रख लूँगी फिर मैं उसके साथ भी आपको एक पेस्ट फेस पैक बना के दिखाऊंगी बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही अच्छे से वो भी वर्क करता है स्किन पर। तो चलिए मैं इसको लगाकर दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा स्किन बिल्कुल क्लीन है, मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है और मैं अब इस पैक को लगाऊंगी और पैक को लगाने के बाद मैं हल्की हल्की मसाज करूंगी, उसके बाद मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा ऑयल येलो दिख रहा है बट इतना येलो नहीं है, ये काम बहुत अच्छा करता है फ्रेंड्स। तो आप इसको डेली बनाइए और डेली में आप इसको लगा सकते हो, क्लीन फेस रखिए एकदम, नाइट में आप लगाइए इसको और नाइट में लगाकर छोड़ भी सकते हो, थोड़ी देर के लिए मसाज करिए और 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, बस 5 मिनट्स मसाज कर लीजिए बस, और उसके बाद आप ऐसे ही छोड़ के रख दीजिए 15 से 20 मिनट, जब ड्राई हो जाए उसके बाद आप वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आप कोई भी नाइट क्रीम वगैरह अप्लाई करके और सिर्फ वाटर के साथ क्लीन करना है, ऐसा नहीं कि आपको फेस वॉश यूज़ करना है। तो मैं इसको लगा ले रही हूँ, फिर मिलती हूँ मैं और इसको मसाज कर लूँगी मैं, फिर मिलूँगी मैं आपसे जब ये ड्राई हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने 5 मिनट्स मसाज कर ली है और 20 मिनट्स के लिए आपको ऐसे ही छोड़ना है, बट मैं अब 20 मिनट्स के लिए ऐसे नहीं छोड़ रही हूँ, मैंने 10 मिनट्स के लिए ही छोड़ा है और अभी ये ड्राई नहीं हुआ है, कम्प्लीटली ड्राई नहीं होगा क्योंकि मैंने इसमें हनी डाला हुआ है। और अगर आप लोगों को हनी सूट नहीं करता है तो आप हनी मत डालिएगा, आप रोज़ वाटर के साथ भी बना सकते हो। और अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप इसमें रोज़ वाटर के साथ तो बना ही सकते हैं, लेकिन आप हनी किसी को सूट नहीं करता है तो आप इसमें योगर्ट डाल सकते हो या फिर आप इसमें जो रॉ मिल्क होता है वो डाल सकते हैं, आप किसी भी तरह से बना सकते हो। फ्रेंड्स देखिए अभी ये ड्राई बिल्कुल भी नहीं हुआ है और मैं इसको मतलब हल्का हल्का हो रहा था क्योंकि 10 मिनट्स हुए हैं अभी फ़ैन चला कर बैठी हुई थी मैं, बट मैं इसको वॉश कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने वॉश कर लिया है अपने फेस को, एकदम क्लीन हो गया है और आप देख भी सकते हो कि कैसा लग रहा है मेरा फेस, एकदम क्लियर है। तो आप भी इस तरह से फेस पैक बनाइए और लगाइए और बहुत ही अच्छा है ये, अगर आप इसको डेली लगाते हो तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आपको। तो चलती हूँ मैं आपसे, फिर मिलती हूँ अभी आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देख लिया है इस वीडियो को और आप लोगों को कैसा लगा ये पैक मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे कमेंट करिए और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको डेली बेसिस पे इसको लगाए फ्रेंड्स, और ये इतना अमेजिंग काम करता है ना फ्रेंड्स, तो आप लोग खुद भी जान जाएंगे जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको मेरी स्किन नज़र आ ही रही होगी कि कैसी लग रही है, शाइन लग रही है या किस तरह से लग रही है, अच्छी लग रही है नहीं, ये आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कर लीजिएगा फैमिली मेम्बर के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद ही आप इधर से उठिएगा और दूसरा किसी का वीडियो देखिएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिएगा
अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर दीजिएगा। और जैसे ही आप हिट करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा न्यू वीडियो का, तो आप उसको भी चेकआउट कर पाएंगे और आपसे मिस नहीं होगा जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। चलिए अभी, टिल देन बाय बाय, लव यू।